हेलो गाइज एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है निखिल एंड दिस इज माय चैनल नेम एज रॉयल फूडी। लॉकडाउन के जस्ट पहले मैं एक होटल विजिट किया था, उसके बाद मैं कोई होटल ही नहीं गया हूँ। अब मुंबई में कोविड का जो सिचुएशन चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा वर्स है। मेरे को लग रहा है कि अगले 2 महीने में भी होटल तो नहीं चालू होने वाले, तो और इसलिए मैंने वीडियो ब्लॉगिंग भी चालू किया था और ये टाइम पर आके वो बंद हो गया। और मेरे जो कंटेंट था पूरा वो होटल में जाके रिव्यू करना था, तो बोला अब क्या करें, इतना देर तो यूट्यूब बंद नहीं रखेंगे, 1-2 महीना हो गया कुछ वीडियो डाला नहीं, अच्छा फ्लो था उसके पहले। तो हमने ये डिसाइड किया है कि हमारा जो टेरेस है अच्छा खासा बड़ा है, वहाँ पे हम ढाबा जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे और जो डिश होगी वो जो जितने भी रूम है बिल्डिंग के वो एक एक जन प्रिपेयर करके लाएगा और उस हिसाब से हम रिव्यू करेंगे। अब ये आइडिया सबको अच्छा लगा, तो आज वह डे है जहाँ पर हम ये करने वाले। 2 दिन से हम सिर्फ वो प्रिपरेशन कर रहे थे कि दिखेगा कैसे कैसे होगा, लॉकडाउन में सारी चीज़ें मिलना भी मुश्किल है, तो जो जो घर पे था जिनके उनके से ही हमने ये सब प्रिपेयर किया। तो मैं काम करता हूँ, आपको पूरा डेकोरेशन दिखाता हूँ और फिर मिलते हैं। तो गाइज एम्बियंस आपको होपफुली अच्छा लगा होगा, बहुत ही मेहनत करके हमने एम्बियंस बनाया, बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट करने का आइडिया था, इसलिए मिनिमलिस्टिक एम्बियंस बना हमने ये। तो एम्बियंस देखने के बाद हमारा फर्स्ट सेट ऑफ डिश आ रहा है जो है चीज़ ओवरलोडेड नाचोस, चिली चीज़ सैंडविच और ये वर्जिन मोजिटो। तो ये जो चीज़ ओवरलोडेड नाचोस है ये रूम नंबर 4 जो सोनाने फैमिली उन्होंने बनाया है, ये रूम नंबर 1 जो सावड़कर फैमिली उन्होंने बनाया है और ये भी मेरे फैमिली ने बनाया है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इससे कि ये कैसे बनाए। सालसा बहुत अच्छा बना है, जैसा बाहर मिलता है वैसे ही सालसा बना है। और ये जो चीज़ है ये भी इन्होंने घर पे बनाया, एक अच्छे वे से बनाया, पता नहीं बहुत मेहनत लगी होगी क्योंकि हमने तो ये मेहनत नहीं की, सब घर वालों ने मेहनत की है। 1.5 फॉर दिस डिश। अब हम खाते सैंडविच। बहुत अच्छा सैंडविच बना है, चीज़ और पूरा ओरेगानो डाल के। मैं तो दोनों डिश में डिस्टिंग्विश कर नहीं पाऊंगा कौन सा बेस्ट है, दोनों ही मेरे फेवरेट है। तो अब मैं ख़त्म करता हूँ। अब हमने मेन कोर्स भी बनाया, हमने डेजर्ट भी बनाया, हमने एक और ड्रिंक भी बनाया, हम एक एक करके आपको सब दिखाते, आप पूरा वीडियो देखिए। सो गाइस ये है ओरियो मिल्कशेक, इसके ऊपर जो डाला है वो डालगोना में जो हम डालगोना कॉफ़ी जो बनाते हैं उसका जो कॉफ़ी का पेस्ट है वो डाला है हमने। ये काफ़ी टाइम लगा इसको बनाने, जैसे आपको पता है डालगोना बनाने कितना टाइम लगता है, तो हमने कुछ क्रिएटिविटी की है। और ये आइडिया हमने लिया है सुजैन जो मेरी ब्लॉगर फ्रेंड है, विचुअल फूडी नाम है उसका, वहाँ से लिया। तो हम टेस्ट करके देखते हैं इसको। बहुत ही परफेक्ट है ओरियो मिल्क शेक, तो बेस्ट डालगोना का इफेक्ट के वजह से ओरियो मिल्क शेक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये अच्छा मिक्सचर है, बहुत से होटल अप्लाई करना चाहिए, अगर अप्लाई कर रहे हो तो मेरा कॉपीराइट डाल देना वहाँ पे, ठीक है। मैं ख़त्म करता हूँ, फिर हमारा मेन कोर्स भी ख़त्म करना है। तो इसको मेन कोर्स तो टेक्निकली बोल नहीं सकते हम, तो ये तंदूरी प्लेटर टाइप, आपने इसे देखा कि हमने लाइव बारबेक्यू लगाया, एक बंदा भी हायर किया जो बारबेक्यू एक्सपर्ट है हमारे कॉलोनी का। तो स्टार्ट करते हैं विद चिकन लेग पीस, तंदूरी एज एक्सपेक्टेड। अब तक जितना भी खाना मिला सब बेस्ट मिला, इंक्लूडिंग ड्रिंक्स, ये मोजिटो, सब बेस्ट था।
ये तो आउटस्टैंडिंग है, अब तक का वो नाचोज मेरे को बेस्ट लग रहा था, लेकिन ये बहुत अच्छा है। और ये जो डिश आया है वो तीन नंबर जो फैमिली महाड़ी फैमिली उन्होंने दिया है, तो उस हिसाब से पाए लगता है कि ये क्रेडिट पूरा महाड़ी फैमिली लेके आने वाला है इसके वजह से। तो ये खाता हूँ मैं, तो गाइस ये हमारा सबसे लास्ट डिश है, इसके बाद डेजर्ट बाकी है। तो ये डिश का नाम है चिकन मंचूरियन नूडल्स, ये बनाया है रूम नंबर 6 गोसावी फैमिली ने। अब तक जितने भी डिश खाए सब बेस्ट है, अब मैं कंफ्यूज हूँ कि कौन सा बेस्ट है और कौन सा सेकंड थर्ड भी नहीं दे सकता मैं। ये भी बहुत अच्छा है एज अ चाइनीज़, तंदूरी भी बहुत अच्छा था, आई एम तो डैम कंफ्यूज। अब मेरे को नहीं पता कौन सा बेस्ट है, मेरे लिए तो सब बेस्ट है, और शायद से किसको बुरा बोलूँगा तो उनको भी बुरा लगे क्योंकि सब ने बहुत एफर्ट लिया ये लॉकडाउन में भी। तो ये तो मैं पूरा अकेला खाने वाला हूँ। सो गाइस सब कुछ खा के हो गया है, स्टार्टर मेन कोर्स ड्रिंक्स सब बेस्ट था, बहुत ही एफर्ट्स लिए सारे फैमिली ने। ये आखिरी डिश है, ये है आइसक्रीम, ये लास्ट फैमिली से आया जो है हाउसरमल फैमिली जो रूम नंबर 5 में रहते, तो हम खा के देखते हैं। ये एक्चुअली ओरियो आइसक्रीम है विथ चॉकलेट, बेस्ट एक्चुअली। आइसक्रीम की खास बात है कि ये शुगर फ्री है, तो काफ़ी हेल्दी आइसक्रीम भी है ये और बहुत मस्त है। सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो, बहुत एफर्ट्स लिए सबने, हर एक जन ने एफर्ट लिए, उन सबके मैं नाम बोलना चाहता हूँ। स्पेशल थैंक्स टू अजय, अभिजीत, रुचित एंड सौरभ, और स्पेशली उन सबकी फैमिली जिन्होंने हमें खाना बनाने में हेल्प किया एक एक करके, और वीडियो बनाने के लिए हमें और प्रोत्साहन दिया कि आप करो ये सब, बहुत दिन से यूट्यूब पर वीडियो नहीं आया है। तो बहुत अच्छा लगा इन सबका जेस्चर देख के, सबने इतना प्रॉपर वे में हेल्प किया, तो सबका खाना अच्छा था। कोई भी फैमिली को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि कुछ वैसा बनाया नहीं उन्होंने, सबसे बेस्ट अगर थोड़ा सा पॉइंट का डिफरेंस देखते जाएंगे तो सबसे बेस्ट मेरे को तंदूरी लगा और उसके बाद था नूडल्स, बाकी सब डिश तो बेस्ट ही था। तो गाइज दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो, अगर अच्छा लगा तो बता देना ज़रूर कि और क्या कर सकते हैं, क्योंकि डेकोरेशन ऐसा रहेगा, हम सोच रहे हैं कि डिनर भी इसमें ऐड कर दे क्योंकि लाइट्स एंड ऑल भी लगा है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपका सजेशन कमेंट्स में बता देना कि हम और क्या कर सकते हैं हमारे टेरिस पे। तो प्लीज़ लाइक कीजिए और एफर्ट्स अगर अच्छे लगे, किससे शेयर करना चाहोगे तो वीडियो भी शेयर कर देना, और भी कुछ खाने के वीडियो देखने तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।